क्या भैया ये? बेबीज़ के काफ़ी सारे ड्रेसेस मिल रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वंदना और मैं आ चुकी हूँ एक और व्लॉग के साथ। कतरन मार्केट का व्लॉग लेकर आई हूँ। हालांकि इससे पहले भी मैंने कतरन मार्केट की दो वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड की हुई है, लेकिन इतनी लेंदी वीडियो थी कि एक वीडियो में सारी चीज़ों को एडजस्ट करना मुश्किल था, इसलिए ये मैं दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट लेकर आ रही हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे जो कलेक्शन है ना, जैसे ही आप शॉप में एंटर करते हैं यानी मार्केट में एंटर करते हैं, चौथे पांचवें नंबर की ये दुकान है और यहाँ पे सारा जो कलेक्शन है वो नाइट वेयर का है और साथ में कुछ बेबीज़ के भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि आप इसमें वीडियो में देख रहे हैं। इतना प्यारा प्यारा कलेक्शन, कलर, साथ में प्राइस जो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, जो नाइट वेयर, जो बड़ों का नाइट वेयर आप देख रहे हैं ना, उसका जो प्राइस है 650 है और बेबीज़ का जो प्राइस है कपड़ों का वो 400-500 की रेंज में है। तो अगर मैं नाइट ड्रेसेस की बात करूँ तो इसका रेट कुछ कपड़ों के अकॉर्डिंग मुझे ज़्यादा लगा, क्योंकि जिस तरीके से ये नाइट ड्रेसेस है मुझे ज़्यादा फ्रेश पीस नहीं लग रहे थे और 650 रुपये इसका प्राइस जो है ये बता रहे थे, और बाकी मैंने बार्गेनिंग नहीं की। तो ये देख सकते हैं बच्चों का जो आइटम था यहाँ पे वो मुझे अच्छा लगा, फ्रेंडली था और समर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। कलर भी बहुत प्यारे प्यारे थे और डिज़ाइंस भी बहुत प्यारे प्यारे थे। वैसे भी बच्चों के ड्रेसेस जो होते हैं इतने ज़्यादा क्यूट लगते हैं। इसके बाद मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट शॉप पे और ये शॉप जैसे ही मार्केट में एंटर करते हैं तो लेफ़्ट साइड में पहली नंबर शॉप है और यहाँ पे इनके पास स्टिच कुर्ते का कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और हमेशा ये चेंजेस लाते रहते हैं, यानी नया नया कलेक्शन आता रहता है, इसलिए इनकी शॉप पर भीड़ ज़्यादा होती है। तो आज भी भीड़ बहुत ज़्यादा है, हालांकि अंदर मैं नहीं गई, मैंने बाहर से ही वीडियो को कैप्चर किया है। तो इनके पास कुर्ते काफ़ी अच्छे अच्छे हैं जो कि 250-300 की रेंज में मिल जाते हैं। दूसरी शॉप पे मैं आई हूँ जहाँ पे इनके पास बहुत सारे मटेरियल हैं, ऐसे मटेरियल जिन मटेरियल्स का ज़्यादातर चुन्नी बनाई जाती है। आपने चुन्नी जो है बहुत सारे जो सूट्स होते हैं एथनिक वेयर उस पर ये वाली चुन्नीस देखी होंगी। इन मटेरियल का साथ ही में चुन्नी के साथ काफ़ी लोग लहंगा भी स्टिच करवाते हैं और इनके पास प्लेन में कपड़े भी थे, प्लेन जॉर्जेट के कपड़े जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट जॉर्जेट में थे और काफ़ी प्यारे प्यारे कलर्स में थे, जिनका सूट्स वगैरह या फिर जो भी बनवाना चाहें वो बनवा सकते हैं। और जो कपड़ों का प्राइस था वो 100 रुपये मीटर था, 100 रुपये मीटर जो है मोस्टली ये बता रहे थे। बाकी अगर आप लेते हैं तो आपकी डिपेंड करता है कितना आप परचेज़ करते हैं और बार्गेनिंग उसी अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप कपड़े देख रहे हैं ना, ये प्योर कॉटन है और ये आपने काफ़ी सारे बीबा, लिबास, इक्कत इन सब ब्रांड्स के जो है कपड़े हैं, ओरिजिनल हैं और बहुत ही प्यारे हैं, जो 100 रुपये मीटर था। साथ में इसके अंदर जो है ना सेट के साथ था, आप देख सकते हैं सारे कपड़ों के साथ ना सेट है और ये सारे कपड़े आपने ऑनलाइन कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। ये लाइनिंग आप देख रहे हैं, ये लहरिया प्रिंट वाला जो अभी आपने ऊपर देखा, ये ब्लू वाला, तो ये भी आपने ऑनलाइन देखा होगा। साथ में ये जितने सारे यहाँ पे प्रिंट हैं ये सारा आपने ऑनलाइन देखा होगा, जो कि 700, 800, 900, 1000, 1200, 2000 इस तरीके से जो है ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको मिलते हैं। कुर्ते लेते हैं तो 600, 700, 800, 900 तक के कुर्ते मिलते हैं और सेट के साथ लेते हैं तो आपको 1000-1200 तक का पड़ता है, ऑनलाइन की बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर ये 100 रुपये मीटर था, सेट के साथ आप जो है ले सकते थे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे उसका कलेक्शन, कॉटन का जो कलेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। यहाँ पे ये येलो वाला जो कपड़ा आप देख रहे हैं ये भी बहुत प्यारा है, इसके बहुत सारे मैंने लहंगे गाउन्स वगैरह देखे हैं इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट शॉप पे और इनके पास भी कुर्तियों का बहुत ह्यूज कलेक्शन था। इनके पास जो कुर्तियाँ थी 400-450 की रेंज में थी, जहाँ पर कलर्स
अच्छे अच्छे अवेलेबल थे। हालांकि मुझे ख़ास कुछ डिज़ाइन लगा नहीं इनका, नॉर्मल ही लगा मुझे, और प्राइस भी 400-500 मुझे ज़्यादा लगा। आपको कैसा लगा इसका प्राइस या कुर्तियाँ? तो आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पे ना किलो के भाव भी कपड़े मिल रहे थे, यानी कि आपको यहाँ पे 5 किलो जो कपड़े हैं वो अकॉर्डिंगली मिल रहे थे। कौन सा आप कपड़ा लेते हैं, कॉटन का कपड़ा, लिनन का कपड़ा, जॉर्जेट का, लाइक्रा का, सारे कपड़ों के कलेक्शन यहाँ पर थे। आप देख सकते हैं कलर्स बहुत प्यारे प्यारे थे। ये जो आप रेड वाला देख रहे हैं ना, इसके आपने बहुत सारे ड्रेस देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, आपने शॉर्ट ड्रेसेस उसकी देखी होंगी। तो वो ड्रेसेस आपको कितनी कॉस्टली पड़ जाती है, 1000 तक की, 1200 की पड़ जाती है। और वहाँ पे वो जो कपड़ा है वो 100 रुपये मीटर है। यहाँ पे कुछ एक दो दुकानें ऐसी भी थी जहाँ पर टॉप वगैरह, ट्राउज़र्स ये मिल रहे थे। हालांकि इसकी दुकानें ज़्यादा नहीं थी, इक्का दुक्का दुकानें ही थी, जिसकी वजह से रेट मुझे ज़्यादा लगा। जैसा कि अभी आप ये सारे जो देख रहे हैं ना, ये वाला जो ड्रेस मैंने इनसे पूछा, ये 400 का था। वैसे इन्होंने 400 लास्ट किया, वैसे देखा जाए तो एक तरीके से ठीक भी है, लेकिन इन मार्केट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, कंपेयर करूँ, तो 400 रेट ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप रोजनी में इस तरीके के कपड़े देखते हैं ना, तो आपको 200-250 तक का आराम से मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये कपड़ों की मार्केट है, कपड़े ज़्यादा हैं और ड्रेसेस कम है, इसलिए हो सकता है कि इसका प्राइस आपको ज़्यादा लगे। यहाँ पे आपको रग्स कारपेट की शॉप भी दिख जाएगी, और रग कारपेट की जो शॉप है ये भी किलो के हिसाब से दे रहे थे, तौल के हिसाब से ये कारपेट को बेच रहे थे। तो अगर तौल के हिसाब से मैंने 2 छोटे-छोटे कारपेट तौलवाए तो 1 किलो पड़ा, जिसका रेट उन्होंने 600-700 के समथिंग कुछ बताया था, और छोटे छोटे कारपेट थे तो मुझे रेट ज़्यादा लगा। और आगे मैं दूसरी शॉप पे आई, इनके पास जो है स्टिच सूट्स का कलेक्शन, पजामे का कलेक्शन था। तो स्टिच सूट जो थे 500-600 के समथिंग में थे, और जो पजामे थे 250 के थे। 250 के पजामे तो आपको हर जगह नॉर्मली मिल ही जाते हैं। यहाँ पे सूट जो था इनके पास 150 के 2 सूट ये प्रोवाइड कर रहे थे। तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये ठीक था, 150 के 2 सूट, लेकिन अगर आपको पसंद आता है तो ही आप ले पाएंगे। आगे मैं गई, आगे जाने के बाद मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा ह्यूज कलेक्शन जो है मटेरियल्स का देखा, जिसकी साड़ी, नाइट वेयर और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। ये बोल रहे थे एक ही रेट है यहाँ पे, 100 रुपये मीटर, यानी कि ये बार्गेनिंग नहीं करते और 100 रुपये मीटर बता रहे थे। ये वाला आप ड्रेस देख रहे हैं, इसकी साड़ी आपने देखी होगी दीपिका की, सेम प्रिंट है बट मटेरियल अलग है, ये वो मटेरियल नहीं है, जॉर्जेट में नहीं है कुछ, आप इसे सिल्क टाइप का मटेरियल आप बोल सकते हैं, बट प्रिंट काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। दूसरी साइड में आप साड़ी देख सकते हैं, वो जो मटेरियल वो काट रहे हैं उसकी साड़ी भी आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी, जो ऑर्गेंजा प्रिंट में है बट ऑर्गेंजा नहीं है। और दूसरी शॉप पे मैं आई जहाँ पर इनके पास जो डेली वेयर की साड़ियाँ होती है ना, आपने काफ़ी सारे लोगों को ये वाली साड़ियाँ वेयर करते हुए देखा होगा, ये थी, और इसका प्राइस 100 रुपये मीटर था। तो यहाँ पे इस तरीके की साड़ियाँ कलेक्शन मिल जाते हैं, जिसको आप ले सकते हैं। आ गए हैं नेक्स्ट शॉप पे, जहाँ पे मैंने शॉप का नाम प्लेट दिखा दिया है आपको। इनके पास बहुत सारे कलेक्शन हैं सूट के, लहंगे के, गाउन्स के, तो ये स्टिच कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ट्रेंडी ट्रेंडी, लेकिन उनका प्राइस थोड़ा आपको हाई लग सकता है। ये ग्रीन वाला जो आप देख रहे हैं, ये ग्रीन वाला पीस काफ़ी ज़्यादा प्यारा था और इसका प्राइस 2000 रुपये था। नॉर्मल शॉप्स की अगर हम बात करें तो शॉप्स की अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका रेट मुझे सही लगा 2000। अगर आप इसको शोरूम वगैरह में लेते हैं तो आपको पता है कि वो कितना हाई रेट मिलता है। इसके अलावा इनके पास और भी प्यारे प्यारे कलेक्शन थे। ये पिंक वाला 4000 रुपीज़ का था, जिसके साथ चुन्नी और ये पूरा था, आप ये देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे इनके पास काफ़ी सारे इस तरीके के ड्रेसेस आपको मिल जाएंगे 4000, 4500 और 5000 की रेंज में। तो अगर मैं बात करूँ इस तरीके की रेंज की, तो हाँ ये थोड़ा कॉस्टली आपको लग सकता है, क्योंकि इस मार्केट में ना ये कपड़े आपको आसानी से कम रेट पे मिल जाते हैं, और इसको आप स्टिच करवाएंगे तो आपको टोटल जो रेट पड़ेगा वो इन जो मटेरियल आपको सिला स्टिच मिल रहा है ना, उससे सस्ता पड़ेगा। तो आगे वाली शॉप पे कलेक्शन बहुत प्यारा था, सॉफ्ट मटेरियल था, 100 रुपये मीटर था, और लाइनिंग वाले पजामे आपने बहुत देखे होंगे, 100-150 रुपये के जो मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करना मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।